हेलो गाइज, सेविंग पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है पिछले एक साल में, तो आपका 1 लाख रुपए बन गया 1,30,000 रुपये सिर्फ एक साल के अंदर। यानी एक साल में आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपये, और वो भी इंडेक्स फंड से जिसमें दोस्तों रिस्क सबसे कम होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आपकी नींद खुलने वाली है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि इंडेक्स फंड में 30% की जगह 70 से लेकर 80% तक का भी रिटर्न मिलता है, यानी यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए और उस पर आपको रिटर्न मिला 70% का, यानी आपका सिर्फ एक साल में 70,000 रुपये का प्रॉफिट बना, जो पहले क्या बन रहा था 30,000 रुपये। यानी दोनों ही इंडेक्स फंड है, एक में आपको मिला 30% जबकि दूसरे में आपको मिल रहा है 70% रिटर्न, यानी डबल से भी ज़्यादा। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। अब यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, 70 से 80% का रिटर्न कौन देता है? तो दोस्तों, पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं, उसके बाद ही आप पूरी वीडियोस देखना। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीनों कैटेगरी के इंडेक्स फंड के रिटर्न देख सकते हैं। फंड के नाम दोस्तों वीडियो में आगे बताऊंगा, जिसमें पहले फंड का पिछले एक साल का रिटर्न 55% से ज़्यादा का है, दूसरे फंड ने भी पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और तीसरे फंड ने भी दोस्तों लास्ट 1 ईयर में 60% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो तीनों फंड के दोस्तों रिटर्न आपने देख लिए। तो अब चलते हैं हमारी दोस्तों पहली कैटेगरी जिसने ये रिटर्न प्रोवाइड किया है, और वो कैटेगरी है दोस्तों अल्फा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपने इस कैटेगरी का नाम शायद पहली बार सुना होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, एक है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चार्ट जिसमें पिछले एक साल में 32.5% का रिटर्न दिया है, वहीं दूसरा चार्ट है निफ्टी अल्फा इंडेक्स फंड का जिसने पिछले एक साल में 66.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी एक तरफ है 32.5% का रिटर्न, वहीं दूसरी ओर है 66.5% का रिटर्न, यानी डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है निफ्टी अल्फा इंडेक्स फंड ने। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न भी देखें तो लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 ने 18.5% का रिटर्न दिया है, जबकि दोस्तों अल्फा इंडेक्स फंड ने 38.5% का रिटर्न प्रोवाइड किया है सिर्फ 5 साल में। कहने का मतलब एक साल और 5 साल दोनों में यहाँ पर है जो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है अल्फा इंडेक्स फंड। यानी दोस्तों कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये का अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 साल पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो वहाँ पर आपने देखा कि निफ्टी 50 ने रिटर्न कितना दिया 5 साल में 18.5% का, तो आपका 2 लाख रुपये बन जाता 5 साल में 4,67,000 रुपये, यानी 2,67,000 का आपको प्रॉफिट होता निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से। वहीं अगर आप इसी 2 लाख रुपये को अल्फा इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते जहाँ पर आपको रिटर्न कितना मिला 5 साल में 38.5% का, तो आपके 2 लाख रुपये बन जाते 10,19,000 रुपये, यानी 8,19,000 रुपये का आपको सीधे सीधा प्रॉफिट होता। यानी एक तरफ है दोस्तों 2,67,000 का रिटर्न, जबकि दूसरी ओर है 8,19,000 का रिटर्न, जबकि पैसा आपने सेम इन्वेस्टमेंट किया सेम टाइम पीरियड के लिए। तो दोस्तों ये डिफरेंस है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और अल्फा इंडेक्स फंड में। अब इसकी दोस्तों थोड़ी सी डिटेल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में आपके पास कितनी वेल्थ बन सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया लमसम, आपको दोस्तों यहाँ पर एवरेज 25% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो दोस्तों 10 साल में आपके 3 लाख रुपए की वैल्यू 27,53,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप 20 साल तक होल्ड रखता है 3 लाख रुपए को, तो आप देख सकते हैं 20 साल में आपके मात्र 3 लाख की वैल्यू 2,60,20,000 रुपये से ज़्यादा की वेल्थ बन जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप 3 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं आने वाले 30 साल के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आप देख सकते हैं मात्र 3 लाख की वैल्यू 25% रिटर्न के हिसाब से 30 साल बाद 24,23,38,000 रुपये हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपनी का मैजिक, मात्र 3 लाख की वैल्यू 30 साल में 25 करोड़ के आसपास का फंड बनाकर दे सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, आप सिर्फ SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मंथली 5,000 रुपये, और सेम आपको 25% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में दोस्तों आपके मंथली 5,000 रुपये SIP की वैल्यू 26,64,000 रुपये हो जाएगी। जबकि अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू SIP करते हैं 5,000 मंथली, तो उसकी वैल्यू देख सकते हैं आप 3,42,95,000 रुपये हो जाएगी। जबकि 30 साल तक आप कंटिन्यू मंथली 5,000 रुपये डालते जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू बन जाएगी 30 साल बाद वो 40,98,73,000, यानी कहने का मतलब 41 करोड़ रुपये का फंड बनाकर दे सकती है मंथली 5,000 रुपये की SIP आपको आने वाले 30 साल बाद। लेकिन मान लीजिए अब इसमें रिटर्न कम होकर भी मिलते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर 20% के भी रिटर्न मिल जाते हैं, तो दोस्तों 30 साल में जो 40 करोड़ की वैल्यू बन रही है उसकी जगह कम से कम आपके पास 25 से लेकर 30 करोड़ रुपये का फंड हो सकता है। देखिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है, आने वाले टाइम में ये रिटर्न कम भी हो सकते हैं
और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन। अब बात करते हैं दोस्तों एल्फा कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड की, तो उसका नाम है दोस्तों बंधन निफ्टी एल्फा 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये फंड मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस फंड ने दोस्तों पास्ट में बढ़िया परफॉर्म किया है, इसके बेस पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस फंड ने दोस्तों 55% से ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। ये एक बिल्कुल नया फंड है, अभी इसका एनएवी प्राइस 15 रुपये के आसपास है, जबकि इसका फंड साइज 232 करोड़ रुपये का है। अगर इसकी मेजर होल्डिंग्स कंपनी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा दोस्तों ट्रेंड लिमिटेड जैसी, यानी सारे वही स्टॉक हैं जो मार्केट से ज़्यादा एल्फा निकाल के दे रहे हैं। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर 0.34% का ही है। देखिए दोस्तों रिटर्न इसमें हाई है, लेकिन आपने सुना होगा कि जिस किसी भी स्कीम में रिटर्न हाई मिलते हैं वहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई होता है, तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अब आते हैं दोस्तों हमारी दूसरी कैटेगरी पर, जो है दोस्तों वैल्यू इंडेक्स फंड। अगर हम इसके इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो लास्ट वन ईयर में 90% का रिटर्न दिया है, लास्ट थ्री ईयर में 44% का रिटर्न, जबकि लास्ट फाइव ईयर में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है वैल्यू इंडेक्स ने। अगर इस कैटेगरी में दोस्तों बेस्ट फंड की बात करें तो वो है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। इस फंड ने भी दोस्तों लास्ट वन ईयर में 70% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी ऑल टाइम इस फंड ने 57.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर मेजर होल्डिंग्स देखें तो यहाँ पर हिंडालको इंडस्ट्रीज, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BPCL, वेदांता लिमिटेड और HPCL जैसी कंपनीज हैं जिनके अंदर होल्डिंग्स है। इस फंड का अभी करंट जो एनवी प्राइस है वो 26 रुपये के आसपास है, जबकि जो फंड साइज है वो 842 करोड़ रुपये का है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.45% का है और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं राकेश सेठी, जिनके पास काफ़ी तगड़ा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट कैटेगरी आती है जो है मोमेंटम इंडेक्स फंड। इस कैटेगरी ने दोस्तों यहाँ पर लास्ट वन ईयर में 69% का रिटर्न दिया है, लास्ट फाइव ईयर में 35% का रिटर्न दिया है। अगर इस कैटेगरी के दोस्तों बेस्ट फंड की बात करें तो वो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इस फंड ने लास्ट वन ईयर में 60% का रिटर्न दिया है, जबकि मेजर होल्डिंग्स की बात करें इस फंड के तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लिमिटेड, टाटा मोटर्स, NTPC लिमिटेड, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी शामिल है। एनवी प्राइस की बात करें तो वो 18 रुपये के आसपास है, जबकि इसका जो टोटल AUM है यानी कि फंड साइज वो 830 करोड़ रुपये का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.32% का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे तीन बेस्ट इंडेक्स फंड जो रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को बीट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। देखिए दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, थोड़ा खुद भी रिसर्च करें, देन उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैंने यहाँ पर जो भी फंड लिए हैं, जो कैटेगरी लिए है, वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर रिव्यू किया है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पर जो रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।